गजरोला में धड़ल्ले से चल रही सरसों के तेल की कालाबाजारी, समाज सेवी ने खोली पोल। बता दें कि गजरोला औद्योगिक नगरी क्षेत्र के नेशनल हाईवे किनारे स्थित पैराडाइज होटल के पास के रहने वाले समाज सेवी एवं भारतीय किसान यूनियन के जिला कोषा अध्यक्ष भूरे चौधरी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया है कि गजरोला शहर के विभिन्न स्थानों पर सरसों के तेल की कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रही है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में वह मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत करेंगे और अमरोहा के डीएम बालकृष्ण त्रिपाठी से भी मुलाकात कर जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। मैं पागल नहीं हूं। सरसों का तेल नकाबपोश लोग और करोड़पति लोग कर रहे हैं और उनको बेचने का काम, उस जहर को बेचने का काम मुस्लिम लोग दाढ़ी वाले कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी हिंदू के यहाँ प्रोग्राम में जाते हैं वो अपने तेल का नमूना दिखाते हैं वो, और मुसलमानों में जाते हैं तो कहते हैं ये अल्लाह वाले लोग हैं, ये अच्छी चीज़ बेच रहे हैं, इनसे ले लो। लेकिन उसमें कनस्तर में 2 लीटर तेल तो ऊपर पेवर होता है, नीचे जो जमा हुआ तेल होता है वो चावल का तेल होता है, केमिकल होता है, जिससे बच्चों को गठिया हो रहा है, बच्चों का दिमाग ख़त्म हो रहा है, बच्चा नशे में घुसता चला जा रहा है, माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहा, बहन भाइयों की इज्जत नहीं कर रहा, बड़ों का अदब नहीं कर रहा। मैं कहना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और अपने अमरोहा के डीएम साहब से और एएसपी साहब से, मुझसे एक बार मुलाकात करें, मैं बहुत बड़ा भांडा फोड़ने वाला हूं इस उत्तर प्रदेश सरकार में जो हो रहा है, जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी की आदेशों का पालन को हवा में उड़ा रहे हैं, ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे सिगरेट से धुआं उड़ा देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।